धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस पवित्र सदन में एक स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है। एनडीए की सरकार जब बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश के पहले उन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर के सीढ़ी पे माथा टेक कर यह संकल्प लिया था कि इस पवित्र सदन से सबके साथ न्याय होगा, सबका साथ और सबका विकास। इस मंत्र के साथ एनडीए सरकार ने काम करना शुरू किया अध्यक्ष महोदया, और देश हित में कई बड़े फैसले इस सरकार के द्वारा लिए गए। 10% आरक्षण को लेकर 124वें संविधान संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के वो गरीब जो आज बहुत पीड़ादायक जिंदगी जी रहे हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चों को एक खुशहाली की जिंदगी जीने की राह इस संविधान संशोधन बिल के माध्यम से आज बनने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सब सांसद लोग समाज में विचरण करते हैं, सभी वर्ग और सभी तबकों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है। वो सामान्य वर्ग के गरीब लोग जब हम क्षेत्र में जाते थे तो हमसे ये सवाल करते थे कि ये बताइए हमारा कसूर क्या है। नौकरियों के लिए जब वो कतार में खड़े हो तो आरक्षण का व्यवस्था न होने के कारण वे नौकरियों से वंचित हो जाते थे। उच्च शिक्षा संस्थान में भी उन गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान न होने के कारण वो संस्थानों में प्रवेश से वंचित रह जाते थे और फ्रस्ट्रेशन में घर जाकर अपने पिता से पूछते थे कि पिताजी ये बताइए कि हमारा कसूर क्या है। हमने यदि ब्राह्मण घर में जन्म लिया, हमने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, वैश्य वंश में जन्म लिया, क्या ये हमारा कसूर है। अध्यक्ष महोदया, कौन व्यक्ति कहां पर जन्म लेता है ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन सब वर्ग के साथ, गरीबों के साथ न्याय और इंसाफ हो ये सरकार के हाथ में है, और सरकार ने वो अहम फैसला आज लेकर हिंदुस्तान के तमाम वो सवर्ण वर्ग के सामान्य वर्ग के लोगों को एक संदेश दिया है कि ये सरकार सबकी चिंता करती है, सबके हितों की चिंता करती है। आरक्षण लागू करने के साथ जो पूर्व से आरक्षण लागू है जिस वर्ग के लिए, जिस कैटेगरी के लिए, उनके हकों पर कहीं पे भी छेड़छाड़ नहीं हुई है अध्यक्ष महोदया। 50% उस आरक्षण के साथ 10% आरक्षण बढ़ाया। हमारे मित्र हुड्डा जी यहां कह रहे थे ये हमारा थॉट था, हमारा विचार था, हरियाणा में हम लाए। आपका थॉट होगा, हमारे अरुण जेटली जी ने आपके मैनिफेस्टो को यहां पढ़ के दिखा दिया, लेकिन आपकी नीयत नहीं थी। यदि आप लाना चाहते तो संविधान संशोधन के साथ यूपीए सरकार के समय में भी ये बिल लाया जा सकता था, लेकिन तब आपने वो लाने की कोशिश नहीं की। इससे साफ साबित होता है कि वो गरीबों के लिए किसके मन में दर्द है। अध्यक्ष महोदया, जिसने गरीबों को, गरीबी को जिया हो,
जिसने गरीबी को भोगा हो वो गरीब के दर्द को जानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे हैं तो उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को भोगा है और गरीब के उस दर्द को और उसके पीड़ा को समझकर ये आज सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण जो लाए हैं, इसमें सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, वो सामान्य हर धर्म में आते हैं। मुस्लिम समाज के भी जो सामान्य हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, अन्य समाज के जो सामान्य हैं, उसको भी इस 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और संविधान संशोधन के साथ यह जो बिल लाया गया है, आने वाले समय में गरीबी में जिंदगी जीने वाले वो करोड़ों नौजवान जो डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे थे, जो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे थे, हमारी इन सांसदों की आंखों ने देखा है, अध्यक्ष महोदया जिसके हाथ में ग्रेजुएट रहते हुए डिग्री है, वो फुटपाथ पर रेहटी लगाकर अपनी जिंदगी बसर करता था जी। वो ग्रेजुएट था लेकिन उसको आरक्षण का लाभ न मिलने के कारण वो ऑटो रिक्शा चलाता था, वो बस में कंडक्टरी करता था अपना पेट पालने के लिए, परिवार को पालने के लिए। ऐसे पढ़े लिखे सामान्य वर्ग के, गरीब वर्ग के नौजवानों के लिए जो राह नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, आज ये सदन में एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। और सतपति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फैसले करने के लिए कलेजा लगता है, हिम्मत लगती है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। और मैं आज प्रधानमंत्री जी के लिए दो लाइनें सुनाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, हवा को कह दो खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है, एक जला के दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद।